एवरीवन, तो देखिए मेरा चेहरा जो है मैंने अभी कुछ नहीं लगाया, मैं नहा के आई हूँ। और मेरा जो है जितनी डेड स्किन थे, जितनी भी जो गंदगी थी मेरे पूरे फेस पे, पूरे बॉडी पे, तो जो है वो पूरे से साफ़ हो गई है देखिए। और अब मैं अभी मैंने जो है मॉइस्चराइजर अप्लाई नहीं किया है। वैसे मैं गर्मी आ रही है तो मॉइस्चराइजर कम लगाती हूँ और पैरासूट का नारियल तेल ज़्यादा अपने बॉडी पे लगाती हूँ, क्योंकि वो जो है गर्मी के टाइम में अच्छी रहती है। ज़्यादा क्या बोलते हैं, चिपचिपा नहीं होता है, बहुत लाइट वेट होता है वो और बहुत अच्छा लगता है मुझे। और उसको लगाने से ये फ़ायदा होता है कि आपका स्किन जो है हमेशा लाइट करता है, थोड़ा होता है ना कालापन नहीं आता है आपको नारियल तेल लगाने से। मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो मैं आपके सामने बताती हूँ, मैंने अभी कुछ नहीं लगाया है अपने फेस पर। और ये है पतंजलि का ब्यूटी क्रीम, मैं रोज़ यही लगाती हूँ। तो मैं जो है नहाने के बाद मैं आपके सामने ही अप्लाई कर लेती हूँ, क्योंकि उसके बाद तो कुछ तो लगाना है ना। तो ये मेरा डेली रूटीन है, मैं जो है जो भी करूँ नहाने के बाद मैं बस यही चीज़ें लगाती हूँ, ज़्यादा नहीं लगाती हूँ। और मेरा तो देखिए फ्रेंड्स, मेरा फेस जो है कितना अच्छा क्लीन हो गया है, हैंड भी और लेग्स भी हो गए हैं। और देखिए मेरा गला जो है जितना डेड स्किन थे, जितना जो गंदगी थे था, वो निकल गया है। तो आप लोग भी चाहे तो यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छा घरेलू नुस्खा है ये। हम लोग ऐसे ही गांव में यही सब ट्राई करते हैं, हम ज़्यादा केमिकल वाली चीज़ यूज़ नहीं करते हैं। और आप लोगों ने गौर किया होगा, गाँव के आदमी का स्किन जो है थोड़ा ज़्यादा दिन अच्छा लगता है। तो मैंने ये लगाया सिंदूर, बस हो गया। उम्मीद है आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और साथ में सब्सक्राइब किए हुए बिना मत जाइएगा। और ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और जिनकी भी अगर कोई शादी अटेंड करना है जिनको, या किसी का शादी है, तो वो जो है ये रेगुलर अप्लाई कर सकते हैं 1 महीने के लिए। और शर्त बस इतना है कि ये अप्लाई करने के बाद आपको साबुन से नहीं नहाना है, और जस्ट आप साबुन से तब नहाओगे जब आपका शादी वाला दिन हो। तो उस दिन जो है बहुत बहुत क्या बोले, इतना खूबसूरत लगेंगे आप, एकदम लाइट स्किन जो होता है ना, एकदम लाइट करेगा, बहुत फेयर दिखोगे आप। थोड़ा सा अगर सांवले हो तो बहुत फेयर दिखोगे। ये नहीं है कि सांवला स्किन एकदम फेयर हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। और हम लोग गांव में ऐसे ही उपटन यूज़ करते हैं और कई तरह के हैं। सो समय समय पर मैं आपके साथ जरूर शेयर करती रहूँगी। तो मिलती हूँ अगले वीडियो एंड ब्लॉग्स में आप लोगों से। थैंक्स फॉर वॉचिंग डियर फ्रेंड्स, बाय बाय। तो फ्रेंड्स, आज जो हमें चाहिए वो है 3 चम्मच बेसन, 3 चम्मच गेहूं का आटा और 2 चम्मच हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर आप कस्तूरी हल्दी भी ले सकते हैं, और मैंने जो है नॉर्मल अपने घर का हल्दी लिया है। तो देखिए आपको कुछ इस तरह से पेस्ट बना लेना है, और पेस्ट आपको बनाना है वो पानी के साथ बनाना है। इसके साथ साथ आपको और कुछ मिक्स नहीं करना है। तो चलिए, जो अब बन गया है अब उसे अप्लाई भी तो करना है, तो करते हैं और उसके बाद आपके साथ रिजल्ट शेयर करते हैं। वैसे मैं पहले ही कर चुकी हूँ, तो देखिए मैं किस तरह से अप्लाई कर रही हूँ। और बहुत अच्छा ये जो है एक तरह से स्क्रबर का भी आपको काम कर जाता है, डेड स्किन तो निकाल ही देता है, और जितने भी छोटे छोटे बाल जो होते हैं, आप रेगुलर इसे इस्तेमाल कीजिएगा तो आपको वैक्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ज़्यादा जिनके हेयर है उन्हें तो पड़ेगी, मगर जिनका थोड़ा थोड़ा हेयर है लेग्स पे, हैंड पे, तो
तो उनका जो है आराम से निकल जाएगा, चाहे फेस पे जिनका हल्का हल्का हेयर है। तो आपको इस तरह से अप्लाई करना है, और इस तरह से अप्लाई करके उसके बाद 10 मिनट आपको सूखने, थोड़ा सा हल्का सा उसे ड्राई होने देना है, और उसके बाद थोड़ा रब कर करके इसको वॉश करना है। तो देखिए मैं कैसे अप्लाई करती हूँ। तो फ्रेंड्स, जहाँ भी आपका डार्कनेस है, यानी जहाँ का भी स्किन आपका डार्क हो चुका है, आप वहाँ अप्लाई कीजिएगा। चाहे वो ब्लाउज़ पहनने की वजह से पीछे की तरफ हो जाए, चाहे आगे गले में हो जाए, और फेस में तो हो ही जाता है, डार्कनेस जो है आ जाती है, और समय समय जब हमारा एज जो है ज़्यादा होता है तो वो आती ही है। तो देखिए मेरा यहाँ जो है हो चुका है, और अब मैं जो है इसे धीरे धीरे रब कर रही हूँ। थोड़ा सा पहले रब कीजिएगा, उसके बाद आप हल्का हल्का पानी डाल के इसे वॉश करेंगे। अगर आपके फैमिली में शादी है, या अगर आपका ही शादी है, तो होता है ना शादी के पहले उबटन लगाया जाता है, तो उबटन सब तरह का होता है, अलग अलग जगह में अलग अलग तरीके से बनाया जाता है, मगर बेसन के साथ ही बनाया जाता है, मगर मेरे यहाँ तो मेथी का भी बनाया जाता है। मैं कभी और आपसे शेयर करूँगी, मेथी और पीला सरसों मिला के बनाया जाता है। तो देखिए जो है कैसा स्किन जो है अपने आप लाइट कर रहा है। तो शर्त इतना है कि आप अगर इसे अप्लाई करेंगे, शादी है आपके घर में, या आपको जो है जो जल्दी से आपको जो है अपना स्किन को फेयर करना है, तो आप एक मंथ तक इसे अप्लाई कीजिए। और एक मंथ जब भी आप अप्लाई करेंगे तो आपको जो है साबुन यूज़ नहीं करना है, क्योंकि हल्दी का रंग जो है ना, हल्दी जो है रंग साफ़ करने का काम करता है, हल्दी और बेसन। तो ये जो है अगर आप अप्लाई करते हो अपने ऊपर, तो आप साबुन नहीं यूज़ करेंगे, क्योंकि वो जो है धीरे धीरे आपका रंग जो है अपने आप साफ कर देगा। एक महीने के लिए आप यूज़ करके देखो, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। और जब भी आप लोग इसी से समझ जाओ कि जब भी किसी का शादी होता है तो उबटन ज़रूर अप्लाई किया जाता है, क्योंकि उबटन लगाने से रंग जो है साफ होता है, कुछ हद तक साफ होता है। तो मेरा पैर हो गया है, आप लोगों ने देखा कितना फ़र्क नज़र आया, कितना ग्लो आया है मेरे लेग्स में और हैंड पे भी। और जब भी मुझे लगता है कि नहीं, मेरे स्किन को, मेरे फेस, लेग्स एंड हैंड को अब कुछ अच्छी चीज़ की ज़रूरत है, तो मैं सप्ताह में या महीने में, वीक में, जब भी मेरा मन करे मैं ज़रूर कर लेती हूँ। तो जब भी करूँगी तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो देखिए कितना ग्लो आया है मेरे फेस में, हैंड में, और अभी जो है गला में, नेक पे जो है कितना ग्लो आ गया है। तो उम्मीद है आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग डियर फ्रेंड्स, एंड लाइक ज़रूर कर देना। बाय बाय, मिलती हूँ अगले वीडियो में।